नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवी अहिल्या बाई की जयंती मनाई और प्रतिमा पर माला पहनाकर नमन किया और फूलबाग गांधी पार्क में मौन धरना दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान अभी हाल में उषा ठाकुर के द्वारा किया गया उसका विरोध किया। पूरा देश और ग्वालियर में भी माँ अहिल्या बाई की 294वीं जयंती मनाई जा रही है। इस पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, सभी हमारे पदाधिकारी और समाज के सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी इसमें शरीक हुए हैं। हम सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है, उनके चरणों में नमन किया है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो समाज के लिए, जनता के लिए जो संदेश दिया कि शोषित पीड़ित वर्ग जो सामाजिक कतार में सबसे आखिरी में है उसको ताकत देना है, उसके साथ अन्याय होता है तो उसकी लड़ाई को मजबूत करना है और सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों के खिलाफ भी हमको लोगों को जागृत करना है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो प्रेरणा दी समाज को, देश को, उस प्रेरणा पर चलने का काम हम सबको करना है। आज के दिन हम सब उन्होंने जो प्रेरणा समाज को दी है, देश को दी है, उस प्रेरणा पर चलने का संकल्प लेते हैं और हम सभी समाज बंधुओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आज के दिन उन्होंने ये पर्व मनाया है। हम सब माँ अहिल्या देवी जयंती पर सभी समाज बंधुओं को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं हम सभी उनके आदर्शों पर, उनके पदचिन्हों में चलने का काम करेंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।